सो है गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू डी एम एडिट्स। गाइज आज के वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। आज के वीडियो हम बताएंगे कि आप एक ही क्लिक में अपने फ़ोटो को कैसे एडिट कर सकते हो। वीडियो 100% काम करेगा, तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर दिए। मेरा नाम दीपक, आप देख रहे हो डी एम एडिट्स। तो दोस्तों ऐसे एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का डाटा ऑन कर लेना है। डाटा ऑन करने के बाद प्ले स्टोर पर चला जाना है। देन प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है 3D LUT, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ गाइस 3D LUT। इसके बाद आपको यहाँ से सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद अभी आप देख सकते हो जो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन है 3D LUT, कुछ इस टाइप का आपको लोगो देखने को मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पर ओपन कर देना है, आप इंस्टॉल कर लेना। मेरा क्योंकि पहले से ही ओपन इंस्टॉल किया हूँ तो ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। सो ओपन करने के बाद अभी आपको ओपन गैलरी पर चला जाना है। इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, तो ओपन गैलरी पर क्लिक करना है। तो गाइस मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। देन लेने के बाद आपको कुछ इस टाइप से नीचे कॉन्ट्रास्ट, वाइट बैलेंस, ब्राइटनेस, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेचुरेशन। देन आपको सेचुरेशन पर क्लिक करना है। देन इसका जो सेचुरेशन अमाउंट है इसको हल्का सा इंक्रीज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कॉन्ट्रास्ट। देन इसका कॉन्ट्रास्ट को भी आपको हल्का सा इंक्रीज कर देना है। इतना हो जाने के बाद अभी आपको सीधा आपको पिच वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, लट, ठीक है। सो लट क्लिक करने के बाद नीचे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर टॉप 25 का एक ऑप्शन मिलेगा, सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी आप देख सको नीचे के साइड में बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो अभी आपको कौन सा बैकग्राउंड चाहिए आप यहाँ से अपना मर्जी से एक ही क्लिक में सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन में आपको कुछ इस टाइप का एडिट मिलेगा। देन आपको सेकेंड पर आपको ये मिलेगा, वो गाइस ये तो बहुत ही ऑसम सी लग रही है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ये वाला मिलेगा, फिर आपको ये वाला मिलेगा। अब देखना यहाँ पर, देखिए कैसा ओसम ओसम यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सो गाइस देख सकते हो गाइस, वाओ वाओ ये तो और ओसम लग रहा है। ये देखिए गाइस, जो कि हम लाइटरूम में एडिट करते समय प्रीसेट कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई झंझट नहीं है, सीधा आप इसको क्लिक करने से ही हो जाता है। देख सकते हो गाइस एक ही क्लिक में चेंज हो गया है। तो गाइस आज के लिए